नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज मैं बात कर रहा हूँ पैसे के बारे में, थोड़ा सा बात करूँगा, यही बताना चाहता हूँ कि पैसे का पावर क्या है, अच्छा या बुरा, ठीक है, पैसे से क्या हो सकता है। तो पैसे से अभी पैसे के कारण अभी रिसेंटली ई कॉमर्स इंडस्ट्री के रिलेटेड ही है इसलिए बता रहा हूँ। शॉपक्लूज़ का तो आपको पता ही होगा, शॉपक्लूज़ साइट के बारे में। अब पैसा जब एक लिमिट से ज़्यादा पहुंच जाता है तब ऑब्वियसली पैसे की वजह से, ईगो की वजह से दरारें आना शुरू हो जाती हैं। तो शॉपक्लूज़ के जो फाउंडर हैं संदीप अग्रवाल और उनकी वाइफ राधिका अग्रवाल और संजय सेठी, ठीक है, ये तीनों उनके फाउंडर्स थे और सबने साथ में मिलकर ये कंपनी खड़ी की थी। लेकिन ईगो की वजह से संदीप अग्रवाल और राधिका अग्रवाल जो हस्बैंड वाइफ हैं बेसिकली, अब 6 महीने पहले उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। अब वो बेसिकली हुआ इसलिए कि उनका मानना ये है कि जो भी ग्रोथ हुआ है कंपनी का वो एक टीम की वजह से हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली वो टीम की वजह से ही होता है। राधिका अग्रवाल का मानना है कि वो टीम की वजह से हुआ है, संदीप जी का मानना है कि वो उनकी पूरी मेहनत है। तो उसी चक्कर में उनका डाइवोर्स भी हो गया। अब वो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो ये सब कुछ हो रहा है सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पैसे का पावर क्या है। पैसा किसी को जोड़ भी सकता है और किसी को तोड़ भी सकता है, ठीक है। हम सब पहले से ही जानते हैं कि भैया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो पैसा कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो लाइफ में जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक सब बराबर होता है। जैसे ही पैसा कहीं पे इन्वॉल्व होता है, चाहे वो रिलेशन हो या दोस्ती हो, कुछ भी हो, पैसा कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो रिलेशन वो वहीं पर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पैसे के रिलेटेड टॉपिक है, ये चैनल भी पैसे के रिलेटेड है। तो ऐसा ना हो कि आपका और मेरा रिलेशन ये पैसे की वजह से ख़राब हो जाए, ठीक है। तो कोई भी डिसीजंस लें आप बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। मेरे सारे कहने पे मत आइएगा, सब हर एक चीज़ मेरी मत मानिएगा, दूसरे लोगों की भी बात सुनिएगा, दूसरे भी चैनल्स देखिएगा, उनके भी मतलब जो कह रहे हैं वो भी समझिएगा, ठीक है। कोई भी एक इंसान के ऊपर नहीं मानना है आपको, ठीक है। मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, जानकारी दे रहा हूँ, बट सिर्फ मेरे तक ही लिमिटेड नहीं है, काफ़ी और सारे लोग हैं, उनसे भी आप सुनिए, उनकी भी बात जानिए। पैसे का मामला है, पैसा कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर देता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपका पैसा है, वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं ये सब बातें फिर से आपको कह रहा हूँ। अगर आप मोटो G5 प्लस खरीदना सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में उसका एक्सक्लूसिव डील आने वाला है बायबैक का, ठीक है। मतलब आप 9 महीने तक, यहाँ पे 15 या 18 महीने कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 9 से 12 महीने तक ये फ्लिपकार्ट में बिकेगा। और वहाँ पे आप यही फ़ोन बाद में चाहें तो दे सकते हैं और दूसरा फ़ोन ले सकते हैं। तो एक प्रीसेट वैल्यू जो होगी इस फ़ोन की, वो वैल्यू आपको बायबैक में मिलेगी। तो ये एक तरह से अच्छी डील है, अगर आप मतलब बोर हो जाते हैं ये फ़ोन यूज़ कर करके, मोटो G5 प्लस, और सोचते हैं कि कोई और फ़ोन लेना है आपको, तो आप वो फ़ोन को वापस दे दीजिए और दूसरा फ़ोन ले लीजिए, तो उसकी आपको एक प्रीसेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बायबैक ऑप्शंस ज़्यादातर अभी ऑनलाइन में नहीं चलती है, बट लग रहा है कि अब इसका भी ट्रेंड अब शुरू हो जाएगा और काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी ऐसा करना शुरू कर देगी कस्टमर्स के लिए। सेलर्स के लिए क्या कर रही हैं अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है, सेलर्स के बारे में कुछ ज़्यादा खबरें नहीं आ रही है। जो भी खबरें आ रही हैं सब बायर्स के लिए आ रही है। चलिए हम भी एक तरह के बायर्स ही हैं तो हमको कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हो जाएगा, बट यस बिज़नेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है, सेलर्स को भी ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसी कोई स्कीम निकाले तो थोड़ा हमको भी मज़ा आ जाए। दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स होती है जो बहुत ही फास्ट मूविंग होती है, ठीक है, जो हमने हमारी वेबसाइट में डाली थी उसमें से आज करीबन 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये एक है किचन मास्टर, ठीक है, तो ये स्टॉक आउट हो गया। फिर ये एक आईबॉल का पर्ल है हेडफोन्स, जो करीबन 175 के आसपास है, ठीक है, तो ये भी स्टॉक आउट हो गया। फिर जैकली है, ये 5-6 साल से चल रहा है ये प्रोडक्ट, ये स्टॉक आउट हो गया। ये इंटेक्स का कार चार्जर है, सॉरी कार चार्जर नहीं, यूएसबी चार्जर है, ठीक है, तो ये स्टॉक आउट हो गया। फिर इंटेक्स के 4-5 प्रोडक्ट्स थे जो वो भी स्टॉक आउट हो गए। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अभी भी हैं अवेलेबल वहाँ पे, पावर बैंक्स आई हुई हैं इंटेक्स की
काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं थोड़ा भी ऑनलाइन सेलिंग में और कॉस्टिंग करना सीख गए और आपको प्रोडक्ट्स की परेशानी हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कॉस्टिंग निकाल के, और देखिए कि वो प्रोडक्ट स्टॉक आउट ना हो जाए। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है, इंटेक्स में स्पेशली, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि देखिए आपको पहले ही ले लेना है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ले लीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पहले लीजिए, या फिर वो प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करिए 2 दिन 3 दिन, ठीक है, ऑर्डर आता है उसके बाद लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पे यही है कि अगर उस समय मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो रैंक है, सेलर रैंक, वो आप देख लीजिए अमेज़ॉन में क्या है, ठीक है। वो प्रोडक्ट ईबे में अवेलेबल नहीं है तो ईबे में फटाफट डाल दीजिए, फ्लिपकार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन है, फ्लिपकार्ट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फ्लिपकार्ट में डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे 2-3 चैनल में डालिए, हर एक चैनल में मत डालिए, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, ठीक है। मैं तो अभी कहता हूँ स्नैपडील और पेटीएम में डालने जैसा है ही नहीं, फ्लिपकार्ट में भी सीओडी ऑर्डर्स जो रिटर्न आते हैं उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन पैकेज जो है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो वो तो अब ई कॉमर्स का बिजनेस आपने लिया है तो उतना तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अमेज़ॉन में जो सीओडी ऑर्डर्स आते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं तो उसमें वन वे चार्ज लग जाता है, लेकिन अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हैं ऑर्डर्स, मतलब प्रीपेड ऑर्डर्स है, तो वहाँ पे रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट है FBA, अगर आपके पास FBA ऑलरेडी है तो उसमें वो प्रोडक्ट्स भेजिए, वहाँ पे FBA में शिपिंग चार्जेस, जैसे ये है पर्ल, ठीक है, तो इसका शिपिंग चार्ज सिर्फ 30 रुपया होगा, जैसे कि ये है, ठीक है, जैकली, तो इसमें शिपिंग चार्ज सिर्फ 30 रुपया होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटी लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आप बेचेंगे FBA में तो इसका शिपिंग चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मर्चेंट फुलफिल में ज़्यादा ठीक रहता है, FBA में ये सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा ठीक नहीं रहते, क्योंकि वेट बढ़ जाता है तो कॉस्टिंग भी गड़बड़ा जाता है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि FBA में ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, तो जितना भी माल आप FBA में भेजेंगे एक अच्छी कॉस्टिंग में, भले ही उसमें आपके समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट पे एवरेज 50 रुपये निकलते हैं और महीने में आप 1000 प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो भी आपका बैठे बैठे मेरे हिसाब से 50,000 का फ़ायदा वहाँ पर ही हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन उतना सिंपल नहीं होता है, तो करने से पहले एक बार कॉस्टिंग कर लीजिएगा और उसके बाद करिएगा, ठीक है। ओके, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन सेलिंग भी शुरू कर दिए हैं और काफ़ी सारे लोग मटेरियल भी ऑर्डर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेलिंग शुरू हो गया है और उसके साथ साथ आपको थोड़े और प्रोडक्ट्स की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि है सेलोटेप डिस्पेंसर है, ठीक है, पैकिंग मटेरियल जैसा है, तो प्रिंटर है, ठीक है, पेपर्स हैं, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में यूज़ आ सकती है, जो हमारे यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, छोटी मोटी कोई भी हो, तो उसकी लिंक्स मैं यहाँ पे वीडियो में डाल दूँगा। हाँ, एफिलिएट लिंक्स होंगी वो सारी, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई परचेज करेंगे वहाँ से तो वहाँ से मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, तो वो सारे प्रोडक्ट्स वो होंगे जो बेसिकली मैं रेकमेंड कर रहा हूँ मेरी तरफ से। अगर आपका बजट समझ लीजिए कि आपके ऑर्डर समझ लीजिए कि रोज़ के 5 या 6 हैं, ठीक है, और ऑन एन एवरेज मंथली सपोज आपके ऑर्डर्स हैं 200 पकड़ लीजिए, ठीक है, तो 200 प्रिंट के लिए आपको 6-7 हज़ार रुपये के प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 200 के लिए आप बेसिक जो भी डेस्कजेट आता है वो आप ले सकते हैं, करीबन 2,500-3,000 के आसपास वो ले सकते हैं। जब ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ेगा, सपोज़ आपके महीने के कम से कम महीने के 500 ऑर्डर्स हों तो ही आप लेज़र प्रिंटर खरीदिएगा, अगर महीने के 2,000 या 3,000 हों तो फिर आप इंक टैंक वाली जो आती है प्रिंटर्स, एप्सन के आते हैं, कैनन के आते हैं, HP के भी आते हैं, तो वो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर वॉल्यूम्स कितने हैं, प्लस आपको बिज़नेस को टैबलेट से मैनेज करना है, ठीक है, तो आप कौन सा टैबलेट यूज़ करेंगे। अगर आपको बिज़नेस को मोबाइल से यूज़ करना, मोबाइल में तो वैसे सारे एप्लीकेशन हैं ही, लेकिन टैबलेट में विद कीबोर्ड आप कहीं पर भी बैठे हैं तो विद कीबोर्ड वो टैबलेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी एक टैबलेट है और उसके साथ वो कीबोर्ड जो फोल्डिंग वाला आता है उससे मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि उससे टाइपिंग भी हो जाती है फास्ट और काम भी हो जाता है, जैसे मेल्स का रिप्लाई करना है या फिर किसी कमेंट्स का रिप्लाई करना है, अब तो कमेंट्स के भी रिप्लाई करने पड़ते हैं काफ़ी टाइम, तो वैसे छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं, प्लस
छोटी छोटी स्टेशनरी की आइटम्स हैं, तो ये सारी आइटम्स जो भी हैं मैं लिंक्स डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो यहाँ पे नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देखूंगा कहीं और से अगर मिल जाती है तो, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। ओके, एज अ रिमाइंडर, ईबे का पावरशिप लिमिटेशंस की जो रिक्वेस्ट डाली थी मैंने लास्ट वीक, फिर से फॉर्म फिलअप करना है, तो उसी फॉर्म का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे भी होगा, तो अगर आपने वो फॉर्म फिलअप नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपकी लिमिट पावरशिप दोनों एक्टिवेट हो जाए, लिमिट भी बढ़ जाए, ठीक है। तो वो फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, वहाँ पर क्लिक करके वो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। देखिए, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ अमेज़ॉन में जो बिक रहा है, ठीक है। ये आईबॉल का एक नया प्रोडक्ट है जो अमेज़ॉन में बिक रहा है, और हम क्या प्राइस में बेच रहे हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि प्राइस डिफरेंस क्या है और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है उसमें, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि आप कैसे प्राइस कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, ये वाला प्रोडक्ट है आईबॉल का म्यूज़िक कैरियोके, अब यहाँ पे ये 4999 में बिक रहा है, ठीक है। 8 ऑफर्स हैं और जो लोएस्ट प्राइस है वो है 4600 प्लस 65, ठीक है। अब इसकी हम शिपिंग चार्ज अगर देख लें एक बार, शिपिंग का इसका रेट क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। वेट होगा यहाँ कहीं पे, अच्छा वेट नहीं दिया हुआ है, करीबन ये 2.5-3 किलो के आसपास होता है, तो आप समझ लीजिए कि बाई रोड अगर आप भेज रहे हैं ये प्रोडक्ट, बाई रोड ही भेजना पड़ेगा आपको, तो बाई रोड अगर आप ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट मतलब शिपिंग हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट अगर मैं आपको मेरी वेबसाइट में दिखाऊँ तो ये है 3750 इंक्लूडिंग टैक्स बिल, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस कितने रुपए का है, ठीक है। यही है, अगर FBA में भेज रहे हैं तो 4999 में है, अगर यही प्रोडक्ट आप सेल्फ शिप में भेज रहे हैं, ठीक है, तो 4600 मतलब तो भी 800 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। और कमीशन होता है इसमें 8%, ठीक है। तो अगर आप सम्भोज 5000 का भी आप गिनती कर ले तो भी उतना कमीशन नहीं होगा। तो वैसे आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट्स को, डिसाइड करना है कि कैसे लिस्ट करना है, क्या प्राइस में उसको लिस्ट करना है, ठीक है। और जब भी आप हमारी वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट देखें, जैसे कि ये वाला है क्लिक स्कैन स्कैनर, ठीक है, तो अगर हम ये वाला प्रोडक्ट देखते हैं अमेज़ॉन में आईबॉल का, देखिए 8280 और दूसरा वाला है 12690। अब यही प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट में जो है वो 7200, तो 1000 रुपये का डिफरेंस है, राइट। अब ये ऐसा और एक प्रोडक्ट है 11550, अब यही प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बिक रहा है अमेज़ॉन में 12600, मतलब 1000 रुपये का डिफरेंस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट में और लो वैल्यू प्रोडक्ट में बेचने में क्या डिफरेंस है। लो वैल्यू प्रोडक्ट आप सपोज 200 रुपये वाली प्रोडक्ट है, आप बेच दीजिए उसको 50 पीस, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको अप्रॉक्सीमेट उसमें पर प्रोडक्ट में 20 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो आप 50 पीस बेचने के बाद उसमें 1000 रुपये अर्न कर पाएंगे, 50 पीस का मेहनत लगा लीजिए कि कितना उसमें मेहनत होता है, ठीक है। पैक करने में, पैकिंग मटेरियल में सारा टाइम निकलता है। उसके अगेंस्ट में आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट अगर बेचते हैं, ठीक है, लेट्स से कि 10000 रुपये की प्रोडक्ट है, उसमें आप कुछ नहीं 4% से 5% मार्जिन रखिए। हाई जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उनको टारगेट करिए, 300-400 रुपये का मार्जिन रखिए, 500 रुपये का मार्जिन रखिए, ठीक है। बट मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट रिटर्न ना आए या कंप्लेन ना हो, पैकिंग उसकी अच्छी करिएगा। तो लेट्स से कि अगर आप वो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें एक ही प्रोडक्ट में, एक ही पैकिंग में, एक ही इनवॉइस में आपको 300-400 या 500 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। वही चीज़ अगर आप छोटे प्रोडक्ट्स में करते हैं तो 50 प्रोडक्ट आप पैक करते हैं तो आपको 1000 रुपये, या फिर 25 प्रोडक्ट आप पैक करते हैं तो आपको 500 रुपये का फ़ायदा होता है। तो आप देख लीजिए कि मेहनत कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, छोटे प्रोडक्ट्स में या बड़े प्रोडक्ट्स में। तो आपको छोटे के साथ साथ बड़े प्रोडक्ट्स में भी टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि छोटे प्रोडक्ट्स में लायबिलिटी बढ़ जाती है, स्टॉक मेंटेनेंस डिफरेंट हो मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितना बड़ा वैल्यू वाला प्रोडक्ट, एक ऑर्डर आ जाता है तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे वेयरहाउस में छोटे वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स से ज़्यादा बड़े वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा हम रखते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ही कम हो जाती है और प्रॉफिट उसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, साथ साथ बड़ी
हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स भी साथ में टारगेट करिएगा। अभी हम लोग अमेज़ॉन के बारे में बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन के अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा अमेज़ॉन का जो अकाउंट परफॉर्मेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि उसमें क्या चल रहा है अभी। आपको भी आइडिया आ जाएगा कि अमेज़ॉन अकाउंट परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। देखिए, ये अमेज़ॉन परफॉर्मेंस है हमारा, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इन ग्रीन, मतलब मोस्टली जो भी है वो ग्रीन में है। सिर्फ एक ये रिटर्न डिससेटिस्फैक्शन रेट जो है, जो अभी बेटा वर्जन है, मतलब इसका भी इम्पैक्ट नहीं होगा आपके परफॉर्मेंस में, ये बेटा वर्जन में है, तो ये खाली लाल में है, बाकी सब जो है वो ग्रीन में है। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें लाइफ टाइम में तो 90% है, और 30 डेज में जो है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव्स भी कम, मतलब ज़्यादा है, तो इस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। अभी इसको हटवा देंगे, देखेंगे कि क्या इशू था, रिजॉल्व कर देंगे। तो ओवरऑल आपको जो लाइफ टाइम है वो अच्छा मेंटेन करना है अच्छे ऑर्डर्स लाने के लिए, और यहाँ पे सारा ग्रीन में अगर रहता है तो फिर आपका अकाउंट एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर येलो में आता है या फिर रेड में आता है तो ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए सारा ऑलमोस्ट ग्रीन में ही है, तो इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अमेज़ॉन में सिर्फ सेल करने से कुछ नहीं होगा, ये आपको परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा यहाँ पे जाके, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फीडबैक ये आपको खास देखते रहना है हमेशा। दोस्तों, मैं अभी ईवे में देख रहा था रेबेन के ग्लासेस, तो जैसे ही मैंने सर्च किया रेबेन सनग्लासेस, तो वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं वो सारे फर्स्ट कॉपी वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब वही जो ग्लासेस करीबन 1000 रुपये में बिक रहे हैं वो 600 650 के आसपास मिलते हैं फर्स्ट कॉपी वाले, वो भी हैवी मॉडल में। जो यहाँ पे जो बिक रहे हैं ईबे में वो सारे रेबेन के बहुत ही बेसिक मॉडल हैं। फर्स्ट कॉपी जो आती है उसकी वो बहुत ही हैवी होती है, वो पड़ती है करीबन 600 650 के बीच में। अब वही जो प्रोडक्ट है वो मतलब ईबे में करीबन 2000 के आसपास बिक रहा है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, अगर आपको बेचना है तो वहाँ पे आपको डिस्क्लेमर भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये ओरिजिनल रेबेन के नहीं है, कोई भी अगर बेचता है तो, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा एक इमेज जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मिल जाता है फर्स्ट कॉपी करीबन 600 650 के आसपास, ठीक है। और वही प्रोडक्ट 1200 के आसपास बिकता है ईबे में। पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और उनमें कोई रेटिंग भी नहीं दिख रही है मुझे, कोई रिव्यूज़ भी नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बिक ही रहा होगा शायद। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो प्रोडक्ट्स वैसे बेचें कहीं से भी, क्योंकि ईबे हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी साइट हो, वो नहीं चाहेंगे कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स उनमें बेचें लोग और उस हिसाब से पैसे अर्न करें, ठीक है। तो आप भी अगर आप सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अगर आपको रिस्क लेके बेचना है तो आप बेच सकते हैं, उसमें पैसा आपको कमाने मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कोई सवाल तो फेसबुक लाइव में पूछ लीजिएगा। फेसबुक लाइव एक ऐसा जरिया है आप लोगों के लिए जहाँ पे आप इंस्टेंटली कोई भी सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं फेसबुक में रेगुलर डेज पे 9:30 के बीच में और 10:30 के बीच में रात को लाइव रहता हूँ, तो कोई भी सवाल हो आपके वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं, तो इंस्टेंटली आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब है, वहाँ पे कमेंट्स देते हैं, तो वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, दे पा रहा हूँ अभी, और ग्रुप में भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि 25-30 ग्रुप हैं और पर्सनल मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें भी नहीं दे पाता हूँ। तो फेसबुक लाइव जो है वो सबसे अच्छा ज़रिया है अभी एज ऑफ नाउ। तो कोई भी सवाल हो आपका तो वहाँ पर आके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।